हाँ भाई, कॉमर्स वाले बच्चों, आर्ट्स वाले बच्चों और ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो ना, ये वीडियो ज़रूर देख लेना, एंड तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ ना, वो आपके फिजिकल की तैयारी को बेहतर से बेहतरीन की ओर लेके जाएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, काम करता है हमारा, फटाफट जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन में कैसे आप गुड डी बेटर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारी आज की वीडियो है, ठीक है। सबसे पहले बेटा बता दूं, अमेजिंग सैम्पल पेपर्स के लिए जल्दी से जल्दी फटाफट हमारी ऐप डाउनलोड कर लो। आपको हमारी ऐप पर बहुत अमेजिंग सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए। वन टू वन क्लासेस ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, और जिनके पास आईफोन यूजर्स हैं हमारे, बेसिकली एप्पल का आईफोन लेके बैठे हैं, वो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करेंगे एप्पल स्टोर से, ठीक है। और हमारा ORG कोड RVYW जैसे एंटर करेंगे, वन टू वन क्लासेस आप बन जाएगी बिना किसी टेंशन के। चलो आगे बढ़ो, ये CBSE से आप लोगों के लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए हर चैप्टर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आया हुआ है, ठीक है। इसमें पता है कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग तैयारी करें तो शायद हमारा बेनिफिट ज़्यादा हो सकता है। पहले कौन सा चैप्टर तैयार करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। देखो, PCM और PCB वाले बच्चों के लिए स्ट्रैटेजी अलग है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनके साथ वो रिलेट कर पा रहे हैं और वो कंफर्टेबल है उन टॉपिक्स के साथ। लेकिन आपके लिए बेटा इन टॉपिक्स को समझ पाना सच में बहुत ज़रूरी है, और इनको समझने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत कैसे होगी वो भी आपको बताऊंगा। फिलहाल सुन लो क्या क्या है हमारे पास चैप्टर में। सबसे पहला तुम्हारे लिए चैप्टर, कॉमर्स वालों के लिए चैप्टर जो सबसे ईजी है, वो पहले वाला हमारा मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, बहुत ईजी चैप्टर है तुम्हारे लिए। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डेटिंग, कंट्रोलिंग, किस कमेटी का क्या रोल है, तुम बहुत ईजिली समझ जाओगे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। बस जो न्यूमेरिकल पार्ट है इसके अंदर, हमारे जो लीग फिक्सचर वगैरह आते हैं नॉकआउट के, उनमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, उसके लिए हम लोग अवेलेबल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। पहले यही चैप्टर तैयार करो, बहुत बढ़िया चैप्टर तुम्हारे लिए, ईजी चैप्टर है तुम्हारे लिए, जल्दी तैयार कर लें इस चैप्टर को, ठीक है। इसके बाद आप साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स वाला चैप्टर तैयार कर लेना, ठीक है। ईजी चैप्टर है आराम से, डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज वगैरह, ये आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे जल्दी समझ पाएंगे, उनके उसमें ये रहता है टॉपिक वगैरह, तो अच्छा है वाले चैप्टर, ईजी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर की वेटेज हमारी 99 नंबर के आसपास हो गई, ठीक है। 16 मार्क्स का पेपर आपका हो गया बहुत ईजिली, ठीक है। इसके बाद आ जाओ किस पे, आ जाओ स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन चैप्टर पे। चैप्टर सिंपल है, बहुत ईजी चैप्टर है हमारा, ठीक है। और अगर ध्यान से देखें 7 नंबर का यही चैप्टर है, 3rd नंबर पर इसको प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर जो प्रिपेयर करोगे आप लोग, भाई वैसे तो देखो टफ वाला चैप्टर मैं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर इजी वाला करना हो तो चिल्ड्रन वुमेन स्पोर्ट्स कर लो, ये चैप्टर इजी है आपका, 4th नंबर पे इसे कर लो, ठीक है। और उसके बाद फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स फॉर CWSN 5वें नंबर पे इस पे कर लो, ठीक है। इन 4-5 चैप्टर जो मैंने आपको बताया, इनकी वेटेज अराउंड 35-36 नंबर के आसपास होगी, आराम से होगी, ठीक है। लेकिन 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 अब जो टफ चैप्टर है उनको कैसे करना है वो सुन लो। ये वो चैप्टर है जिनको आप बहुत इजीली कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, आराम से हो जाएंगे बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं। अब जो टफ चैप्टर है उनको कैसे करना है, सवाल है ये, उसके लिए भैया हमारे पास ऑप्शन है ये। चलो जी, फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 के लिए बहुत अमेजिंग कोर्स हमारी ऐप पर अवेलेबल है, जिसमें आपको हर एक चैप्टर की एक्सप्लेनेशन मिलेगी, इजी टू लर्न नोट्स मिलने वाले, PDF मिलने वाली है, बुक लेने की जरूरत क्या है यार, हम लोग बैठे तो हैं, सारे के सारे बहुत अमेजिंग कंटेंट है, बहुत ज्यादा अमेजिंग कंटेंट है, ठीक है। 2 सॉल्व सैंपल पेपर मिलेंगे आपको, जिसमें मैंने वीडियो से बकायदा बताया कैसे कैसे करना है। 5 अनसॉल्व सैंपल मिलेंगे, जिसकी मार्किंग स्कीम भी मैंने आपको दे दी साथ में, कि भैया लो टेंशन ना लो, आप इतना ज्यादा सिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी, सिर दर्द करने की जरूरत नहीं, आपको सबके सॉल्यूशन मिल जाएगा बहुत इजीली। 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करना चाहते हो बहुत इजीली हो सकते हैं आपके, अगर आपने सही से तैयारी करी तो। करना क्या है, जल्दी से ऐप पर जाओ, फटाफट कोर्स लो और आगे बढ़ो, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं बिल्कुल, हमेशा ध्यान रखना गुड थिंग्स नेवर कम फॉर फ्री, अच्छी चीजें बेटा सिर्फ अच्छी एडवाइस ही फ्री में मिल सकती है, बाकी कुछ कभी फ्री में नहीं मिलता, हमेशा था ना, कुछ तो कीमत अदा करनी पड़ती है, ठीक है। आपके लिए जो सबसे खतरनाक चैप्टर है मैं गारंटी देता हूं, उसका नाम बायोमैकेनिक्स, 10 नंबर का, लॉ ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ लिवर, फ्रिक्शन क्या है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, ये टॉपिक ऐसे हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन 10 नंबर के आने वाले, 10 नंबर के, इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके चलना पड़ेगा हमें, ठीक है। टेस्ट एंड मेजरमेंट, फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, योगा एंड ट्रेनिंग स्पोर्ट्स, ये सारे वो चैप्टर हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन की नीड है, और ये अटेंशन को डेविएट मत होने दो, इधर उधर भटकने ना दो, अपने माइंड को समझाओ और इधर उधर कंटेंट यहाँ से ढूंढो वहाँ से ढूंढो, सर्च करो, टाइम वेस्ट करके कुछ नहीं मिलने वाला, जस्ट गो फॉर इट।
गो फॉर इट एंड गो फॉर इट। और फिर भी कोई दिक्कत आती है, अगर आपको लगता है कि कोर्स में कोई प्रॉब्लम है, आपको स्पेशल कुछ कूपन चाहिए, कुछ भी रहता है, तो बेटा कॉन्टैक्ट करो ऐप पर, आपको डेफिनेटली मिलेगा, हमारा पूरा सपोर्ट है। बस हमारा टारगेट सिर्फ एक कि आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 में। जस्ट गो फॉर इट, डोंट वेट, ऑल द बेस्ट, डू इट राइट नाउ।